दूर नहीं होता ना, मैं कभी लंका से वापस नहीं आता। तेरी कृपा से मैंने लंका से वापस आई। सबसे जो माता सीता की गले में हार थी, उन्होंने वो हार को से हनुमान जी को दे दिया। और हनुमान जी एक एक मोती को तोड़ तोड़ करके दांत में काट रहे थे और फेंक रहे थे, काट रहे थे, देख रहे थे, फेंक रहे थे। इतने में मैया सीता को बड़ा क्रोध आ गया। मैं तेरे को मैंने इतनी कीमती हार दिया, तू दांत में काट कर फेंक क्यों रहे हो? बोले माता जी, मैं देख रहा हूँ ये मोती में मेरी प्रभु सीताराम का कोई मूर्ति है कि नहीं, इनकी कोई छवि है कि नहीं, जिसमें मेरी प्रभु सीताराम की कोई छवि नहीं हो, हनुमान उसको धारण नहीं करता है। बोले बात को बड़े बड़े करते हो, तो बात तो बड़े बड़े करते हो, क्या तेरे शरीर में कोई सीताराम है? तेरे शरीर को फेंक दे। बोले देखना चाहते हो? बोले क्या दिखाओगे? इतने में श्री हनुमान जी अपना छाती को उन्होंने फाड़ दिए और उन्होंने देखा सचमुच से उनके हृदय में सीताराम की निवास है। फिर क्या हनुमान जी को, लेकिन लगा तो हनुमान जी की छाती में, लेकिन गिर पड़ा किसने? किसने गिर पड़े? प्रभु राम बेहोश हो गए। बोले भैया ऐसे कैसे हो गया, राम कैसे बेहोश हो गए है? इतने में जब राम जी को होश आया, इतने में श्री नारद जी आ गए। जब नारद जी आए, भगवान राम ने सुकांत जी को पूछा, बोले ये बताओ तुमको ये दुर्बुद्धि कौन सा संघर्ष मिली है, जो कि सारे संत बैठे हुए थे, तुमने ये विश्वामित्र जी को प्रणाम क्यों नहीं किया? कौन सा असत संघर्ष तेरी ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई? बोले असत संघर्ष नहीं, सत्संग से। बोले सत्संग से? बोले किसकी संग से? बोले ये नारद जी की संग से। ये नारद जी ने ही मेरे को बताए थे। इतने में श्री नारद जी को बोले राम, बोले ये बताओ तुमने ये दुर्बुद्धि कैसे दिया? बोले प्रभु जी, मैं जहां जहां जाता हूं ना, सारा दुनिया मेरे से एक ही प्रश्न करते हैं, भगवान बड़े ना उनका भक्त बड़ा, भगवान बड़े ना उनका नाम बड़ा, सबके सब मेरे को एक ही प्रश्न करते हैं। मैंने सोचा ऐसे एक लीला मेरे को दिखा दूं, सारा दुनिया से लोगों को पता चल जाए, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से विश्वामित्र जी आ गए। बोले अभी बताओ, अभी ये विश्वामित्र गुरु जी के लिए मैंने जो इतना बड़ा प्रतिज्ञा की, अभी गुरु जी को मैं मुंह कैसे दिखाऊं? इतने में सुकांत जी जब आए, नारद जी बोले देखो देखो गुरु जी आ गए, विश्वामित्र आ गए, जाओ जल्दी उनके चरण में गिर पड़ो। इतने में श्री सुकांत जा करके विश्वामित्र के चरण में गिर पड़े। जो संत है ना, कहते संत हृदय नव नीत समाना, संत संघार नहीं संत सवार के रक्षा करते। इतने विश्वामित्र जी उनके अपराध को माफ कर दिए और भगवान राम भी अपराध को माफ कर दिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं,
कलयुग में भगवान के नाम में उन्होंने सारे शक्ति दे दिए। और उन्होंने ये भी नहीं बताए, देखो जब केवल पवित्र अवस्था में हो तभी मेरे नाम को ले सकते हो, और अपवित्र अवस्था में नाम नहीं ले सकते हो। ठाकुर जी यही नहीं बताए। देखो अभी ध्यान देकर सुनो, श्री चैतन्य महाप्रभु एक अच्छी बात कहते हैं, बोले मैंने कलयुग में इतनी सरल मैंने कर दिया, लेकिन तब भी ये कलयुग का जीव हरिनाम नहीं करते। समय मिलेगा तो टीवी देखने के लिए बैठ जाएंगे, बहुत सास की लड़ाई देखेंगे, उल्टा पुल्टा गंदी पिक्चर देखेंगे, उसकी बेटी ऐसे कर रही थी, उसकी बहू कर रही थी, उसकी घर में सास ऐसे कर रही थी, बिना कारण की फजूल की बात दिन भर करेंगे, चुगली निंदा, तब भी भगवान के नाम नहीं लेते कलयुग का जी। इसलिए महाप्रभु कहते हैं अगर ये कलयुग में तुमने प्रभु का नाम नहीं लिया, तुम्हारी मुक्ति नहीं मिली, फिर कोई 84 लाख के जीवन में गधे कुत्ते पेड़ पौधा कर घूमते रहेंगे। इसलिए महाप्रभु कहते भैया ये समय को नहीं बर्बाद करते हुए, समय को नष्ट नहीं करते हुए, समय मिले तो क्या करो, माला लेकर के बैठो और भगवान की नाम जप किया करो। ठीक है ना। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, जय श्री राम। आपका भजन गाय एक भजन सुनिए करते हैं। वृंदावन बिहारी नाम की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन सो मन नहीं बसी, बसो बद श्री कृष्ण नाम सो नाम बंसी वाल वो बंसी ने तेरी मुरली ने मन हरो, घर आंगन सुहाए, तेरी मुरली ने मन हरो, घर आंगन सुहाए। तो आइए वृंदावन कौन कौन जाएंगे, बस इतने लोगों लगभग सभी लोग जाएगा। तो आइए वृंदावन कैसे चलते हैं, नाच से कूदते भय सभी लोग जाते हैं। तो आइए वृंदावन चलते हैं सभी लोग, पानी बजा के जाएंगे सभी लोग। ओ मन चल दे वृंदावन धाम, ओ मन चल दे वृंदावन धाम। वृंदावन धाम में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक जोर से भाई, अब हुई ना बात। तो वृंदावन में क्या बोलते हैं, राधे राधे। तो मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे मिलेंगे तुझे बिहारी।
Thank you.
भगवान की शब्द थे। सुत गोस्वामी कहते हैं सौंदर्यदाद ऋषियों, भगवान एक है। भगवान कितने हैं? भगवान एक है, लेकिन एक भगवान होने पर भी उनका तीन तरह के भक्त हैं और इनका तीन रूप है। बोले कौन कौन उनके भक्त हैं? देखो ध्यान देकर सुनो, ये बहुत अच्छी बात है। कभी कभी हम कोई कोई बोलते हैं ना, अरे भगवान तो निराकार है, उनका तो कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, वो तो एक ज्योति स्वरूप है। कोई कोई कहते हैं, कोई कई कहते हैं, अरे परमात्मा का ध्यान करो। किसको ध्यान करो? हृदय में श्री परमात्मा को ध्यान करो। फिर कोई कोई कहते नहीं, ये जो लड्डू गोपाल जी बैठे ना, अरे कन्हैया से बांके भी आ रही, नहीं तो सीताराम जैसे हमारे श्री लक्ष्मी और नारायण, कभी कहते इनकी इनकी पूजा करो। इसलिए कभी कभी हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। अभी ध्यान दे करके सुनो, अच्छी तरह से ये चीज को दिमाग में बैठा लो, फिर तो आप एक बहुत बड़ी चीज को समझ जाओगे। फिर तुम्हारी जो बुद्धि है ना, वो इधर उधर कभी भटकेगा नहीं। और एक ही भगवान है, लेकिन उनका तीन भक्त है, एक ज्ञानी है, एक योगी और एक भक्त। इनका तीन भक्त इनके हैं। बोले ज्ञानी उनको किस रूप में देखता है? कहते वो तो निराकार निर्विशेष एक ज्योति रूप में। लेकिन ये योगी उनको किस रूप में दर्शन करता है? बोले हृदय में उनको एक परमात्मा रूप में, हृदय में उनको ध्यान करता है। लेकिन ये भक्त उनको किस रूप में देखता है? जैसे श्री बांके बिहारी सिंह सीताराम है, राधे श्याम है, लक्ष्मी नारायण रूप में दर्शन करते हैं। अभी प्रश्न होता है, ये क्या सबके सब बराबर ना एक ही चीज है? तो उन्होंने एक सुंदर उदाहरण देकर के समझाने के लिए कोशिश की। आप भी ये उदाहरण को अच्छे तरह से समझो, अपना दिमाग में बैठाओ ये चीज को। जैसे यह आम का सीजन है, जहां पर बड़े सुंदर दशहरी और चौसा आम मार्केट में आया। एक राजा ने एक सेवक को बोला, देख करके आओ तो, हमने सुना बड़ा सुंदर आम आया है। और पहला नौकर गया, देखा सचमुच से दुकान में एकदम पीले पीले रंग के बड़े सुंदर दशहरी चौसा आम बिक रहा है। वो तो देखा, वहीं से वापस आ गया, बोले महाराज बड़े सुंदर आम हमने देखा है अपना आंखों से। उन्हें दूसरे सेवक को भेजा, बोले तू देख कर क्या। दूसरा सेवक गया, देखा सचमुच से बड़े सुंदर सुंदर पीले पीले आम। उसने गया हाथ लगाया, दबाया तो देखा पका हुआ आम, सूंघा तो बड़ा खुशबू है। उसने वापस आ गया, राजा ने पूछा भैया आम कैसे? बोले महाराज बड़ा सुंदर मीठा आम।
बड़े सुंदर आम है, एकदम खुशबू, एकदम पका हुआ। राजा फिर तीसरे सेवक को भेजा, भैया तू जा करके देख करके। तीसरा सेवक गया, देखा सचमुच से बड़े सुंदर पीले पीले रंग के आम है। देखा तो दबाया दो, नरम भी, सूंघा तो बड़ा खुशबू है। बोले 5 किलो आम दो। उनने 5 किलो आम को लाए और उन्होंने ठंडा पानी में भिगवाया और उसको अमुनिया करके भगवान कृष्ण को, राधा कृष्ण को तुलसी पत्ता से भोग लगवाया। और जब सचमुच से आम खाया ना, बड़ा मीठा आम है। राजा ने पूछा, भैया आम कैसे हैं? बोले महाराज जी बड़ा मीठा आम हमने खा करके देखा। देखो ये आम तीनों को मिला, मिला कि नहीं तीनों को? ये आम तीनों को मिला कि नहीं बताओ? लेकिन तीनों को तो मिला। ये आम तो तीनों को मिला है, लेकिन मिलने पर है ना, लेकिन बराबर सबको नहीं मिला। जैसे पहला व्यक्ति जो गया था वो तो देखा आम को, लेकिन दूर से देख करके वापस आ गया। बोले ये कौन है? बोले ये ज्ञानी है, जो केवल भगवान को दूर से एक ज्योति रूप में देखता है। बोले भगवान कैसे हैं? बोले एक ज्योति है केवल, उनको और कुछ नहीं दिखता है। कभी ये ज्ञानी है। दूसरा व्यक्ति जो गया, देखा, स्पर्श भी किया, सूंघा, वापस आ गया। बोले वो कौन है? बोले योगी है। ये योगी लोग क्या करते हैं? अपना हृदय में ये अंकुष्ट परिमाण के परमात्मा है, जो भगवान कृष्ण का जो अंश है, केवल उनको ही अपना हृदय में ध्यान करते रहते हैं। कभी ये योगी है। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति गया, देखा भी, सूंघा, आम लाया, ठाकुर जी को भोग लगाए और खाया। बोले ये कौन है? बोले भक्त है। ये कौन है? भक्त है, जो कि भगवान को पूर्ण रूप में दर्शन करता है। जैसे श्री हनुमत लाल जी, अगर प्रभु राम को कहीं अगर जाना हो ना, हनुमान जी क्या करते हैं? प्रभु राम को कंधे पर बैठा लेते हैं, आकाश में उड़ जाते हैं। अगर कहीं प्रभु बैठे हुए धूप में, कितने में हनुमान अपना पूछ को एक सुंदर छतरी बना देता है। जैसे रात को जब प्रभु विश्राम करते हैं, हनुमान जी क्या करते हैं? प्रभु राम के चरणों की सेवा करते हैं, प्रभु चरणों को उन्हें दबाते हैं। इसलिए जैसे मीरा है, जैसे गोपियां हैं, जैसे सूरदास है, जैसे श्री तुलसीदास जी है, इन्होंने साक्षात रूप में भगवान को दर्शन किया है और प्रभु के नाम लेते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। इसलिए पूर्ण रूप में अगर किसको भगवान मिलते हैं, किसको मिलते हैं? बोले भक्त को मिलते हैं। इसलिए आप लोग कभी नहीं सुने होंगे ज्ञानी का भगवान। कोई कहते हैं ज्ञानी का भगवान, कोई कहते हैं कर्मी का भगवान, कोई क्या कहते हैं योगी का भगवान। दुनिया किसके भगवान है? आप लोग बताओ किसके भगवान है? हाँ, यही चीज को समझो। भगवान किसके हैं? भक्त का ही भगवान है। इसलिए भगवान का एक नाम श्री भक्त वत्सल भगवान। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए श्री सूरदास एक बड़ा सुंदर बात समझाते हैं। सूरदास जी क्या कहते हैं? बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ दुर्योधन की सब दिए पाए, सब बहु विधि
सिर्फ प्रेम के बदन बदे सबसे ऊंची प्रेम सदा। मतलब क्या है? यद्यपि हर तरह का बंधन, कर्म का भी बंधन है, ज्ञान का भी बंधन है, योग का भी बंधन है, लेकिन ठाकुर जी सबसे अच्छे बंधन किसको मानते हैं? भगवान प्रेम का बंधन को सबसे अच्छे मानते हैं। इसलिए प्रेम को द्वारा ही भगवान प्राप्त होते हैं। देखो, दुनिया में अगर कोई प्रेम नहीं हो ना, फिर कोई जिंदा रहेगा? एक व्यक्ति कब सुसाइड करता है? जब दुनिया में उसको कोई प्रेम नहीं करते, पत्नी भी नहीं, बच्चे भी नहीं, दुनिया नहीं, पर क्लास में क्या करते हैं? वो सुसाइड कर लेता है। इसलिए सारा दुनिया प्रेम चाहते हैं। इसलिए हमारे जो कन्या है ना ठाकुर जी, वो भी प्रेम चाहते हैं। अगर उनको प्रेम से बुलाओ ना, बड़े जल्दी जल्दी भूल जाते हैं ठाकुर जी। इसलिए उनको बोले भक्त वत्सल भगवान, बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। कहते भगवान 26 अवतार ठाकुर जी ग्रहण किया है। पहला जो अवतार ठाकुर जी चतुष्ण रूप में आए, हर समय इनका जो उम्र केवल 5 साल से इनकी उम्र कभी ज्यादा नहीं होता है, और उन्होंने ब्रह्मचर्य को पालना करते हुए उन्होंने सारा जीवन प्रभु की भक्ति की। भगवान की जो दूसरा अवतार ठाकुर जी बराह रूप में आए, बोले कब आए? जब उन्होंने श्री मनु महाराज जी को ब्रह्मा जी बोले ये सृष्टि का क्रम बढ़ाओ, देखा पृथ्वी है ही नहीं, सृष्टि करेंगे कहां? वो रसातल में हिरण्याक्ष ने रसातल को ले गया था। इतने में ब्रह्मा जी छींके तो उनको नासिका से एक मच्छर जैसे प्राणी सृष्टि हुआ, और देखते देखते उन्होंने विशाल रूप धारण किया। बोले श्री भगवान बराह दे, तो उन्होंने ये
पृथ्वी को उधार करके उन्होंने धुरी पर स्थापन की, फिर श्री मनु महाराज सृष्टि प्रारंभ की। बोले भगवान की जो तीसरा अवतार, बोले श्री नारद जी रूप में आए। आप सब नारद जी का नाम सुने हैं ना, हम कहते हैं ना तू क्या नारद जी का काम कर रहे, मतलब क्या लड़ाई लगा रहे हैं जगत में, नारद जी की बड़ी बदनामी हो गई। लेकिन ऐसे नहीं, ये नारद जी भगवान की परम भक्त हैं, इनके बगैर तो प्रभु की कोई लीला भी नहीं हुई। राम लीला देखो यही मूल कारण है, भागवत देखो यही कारण है। ये जगत गुरु श्री नारद जी, इनकी चार चले हुए, दो बालक हुए और दो वृद्ध हुए। बोले बालक दो कौन हुए, एक प्रह्लाद और एक ध्रुव हुए। और इनकी ऐसे कृपा रही, ये 5 साल उम्र में भगवत दर्शन कर गए। कहते इनके दो वृद्ध चले हुए, बोले कौन कौन, बोले एक हुए श्री वाल्मीकि। नाम सुने वाल्मीकि, ये पहले दशरथ ना करते, बहुत बड़े डाकू थे। एक दिन श्री नारद जी से मुलाकात हो गई, बोले बाबा निकालो पास में क्या माल निकालो। बोले भैया हम संत हैं, हमारा पास में तो 3 चीज है, लोटे सोटे और लंगोटे। बोले जो कुछ हो निकालो। नारद जी बताए, ये बताओ तुमने ये जो पाप कर्म करके पैसा कमा रहे हो, इसका भागीदार कौन बनेगा। बोले मेरे बच्चे, मेरे पिता माता, मेरी पत्नी। बोले देख, ध्यान देख रहे सुन, ये सबके सब तेरे सुख में मदद कर रहे हैं। जब जीवन में दुख आएगा ना, कोई तेरे पाप नहीं लग जा, पूछ कर क्या। तो वो अपना पत्नी से पूछे, बोले ये पाप कर्म करके जो पैसा मैं कमा रहा हूँ, इसका भागीदार तू बनेगी कि नहीं। बोले क्यों, घर का काम मेरी, बाहर का काम तेरा, मेरे को पता नहीं तू कैसे पैसा कमा रहा। बोले बाबा तो सही बता रहे। तो उन्होंने पिता माता को पूछे, बोले आप इसकी अंशीदार बनोगे नहीं। बोले क्यों, तेरे को हमने जन्म दिया, लिखाया पढ़ाया बड़ा किया, हमने कैसे पैसा कमाया ये हमें पता है, तू कैसे पैसा कमा तो हमें पता नहीं। बोले बाबा तो सही बता रहे थे। बच्चों से पूछे, बोले ये पाप कर्म करके जो पैसा कमाता तुम लोगों की नहीं। बोले क्यों, हम तो अभी बच्चे हैं, आपका कर्तव्य है हमें बड़ा करना। जब हम बड़े बन करके पैसा कमाएंगे, फिर हम सोचेंगे हम कैसे पैसा कमा रहे हैं। बोले बाबा तो सही बता रहा है, मैं तो सोच रहा था ये सबके सब अंशीदार बनेंगे, ये तो सबके सब सुख का समय साथ दे रहे हैं, दुख में तो कोई भी साथ नहीं दे रहा है। फिर श्री नारद श्री दशरथना कर वापस आए। बोले बाबा आप सही बता रहे थे, मेरा तो बहुत बड़े भ्रम था, आप बताओ मेरे को मुक्ति कैसे होगी। बोले राम, बोले राम, आप बोले बोले राम, आपका राम बोल दिया, लेकिन वो इतना बड़ा पापी था ना, उसको मुंह से राम का नाम ही नहीं निकला। जो पापी होते हैं ना, देखना दिन भर दुनिया की इधर उधर बात करते हैं, लेकिन बैठ करके थोड़ा माला जम कर हरि नाम का बोलना, ये नहीं हो सकती हमसे, ये नहीं मतलब क्या, जो पाप है, है? बोले तू बोलता था मारो मारो। बोले हाँ। बोले तू मरा मरा तो बोल सकते हो। बोले हाँ इतना तो मैं बोल सकता हूँ। हम लोग मरा मरा बोलो, सबके सब मरा मरा बोलो, बोलो देना, वो अपने आप राम राम हो जाता है। इसलिए बोले उल्टा नाम जपत चले जाना और वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। बोले नाम लेत भव सिंधु सुखाई, विचार कर सुमन मनवाई। वो इतने बड़े विद्वान बने वाल्मीकि, प्रभु राम आने से पहले उन्होंने रामायण को लिख करके रख दिए। आप लोग लवकुश पढ़े होंगे ना, लवकुश देखे होंगे टीवी में, कैसे श्री वाल्मीकि ने हैं राम आने से पहले रामायण लिख करके लवकुश को पढ़ाया, और ये लवकुश राम दरबार में राम कथा राम को सुनाया। इतने बड़े विद्वान बने। अगर ये उल्टा नाम जप करते करते अगर इतने बड़े हो गए, अगर हम सीधा नाम लेंगे तो क्या नहीं हो पाएंगे बताओ। इसलिए सबके सब हमें ठाकुर जी के नाम हमें जप करनी चाहिए, ठीक है ना, सबके सब ठाकुर जी के नाम लेनी चाहिए हमको। इसलिए जो दूसरा जो हुए चले, बोले श्री व्यास देव हुए नारद जी की। इन्होंने क्या लिखे हम थोड़ी देर बाद में सुनेंगे। इन्होंने ये श्रीमद भागवत ग्रंथ लिखे। इनकी जो दो चेले हुए ना, एक वाल्मीकि और एक व्यास,
ये दोनों ने ऐसे दिव्य ग्रंथ लिखे जो कि सारा दुनिया में जिस ग्रंथ को हम सुनते हैं और पढ़ते हैं। इसलिए ये नारद जी की तीसरा अवतार है, बोले चौथा अवतार, बोले भगवान नर नारायण ऋषि रूप में बद्री का आश्रम में तपस्या कर रहे। बद्री बद्रीनाथ कोई गए हो? बद्रीनाथ कौन कौन गए हाथ उठा? हे भगवान, केवल दो चार ही गए। आप बताओ कौन बद्रीनाथ जाना चाहता है? हाथ उठा, सबका हम ले चलेंगे, हम चलोगे बद्रीनाथ। देखो ये पहले पहले लोग जब ये बद्रीनाथ दर्शन करने जाते थे ना, हमारे शास्त्र कहता है जीवन में अगर ये चार ही धाम कोई कर ले, केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री और जमुनोत्री, जीवन में कम से कम एक बार जानी चाहिए। एक बार जो जीवन में इसको दर्शन करते हैं, आप बद्रीनाथ में देखना ठाकुर जी स्वयं तपस्या कर रहे हैं, नर नारायण ऋषि रूप में तपस्या कर रहे हैं। बोले भगवान क्यों तपस्या कर रहे हैं? तपस्या तो जीव को करनी चाहिए, पर ये ठाकुर जी क्यों करते हैं? भगवान ने देखा ये कलयुग का जीव तपस्या नहीं कर सकते, अगर इनके लिए मैं तपस्या करता हूँ, अगर कोई कष्ट करके एक बार बद्रीनाथ में आए और मेरे को एक बार दर्शन कर लेना, उनका सारे पाप नष्ट हो जाएगी। और मैं जो तपस्या कर रहा हूँ, ये तपस्या का छठवां भाग का फल उसको अपने आप मिल जाएगा, इतने महिमा बद्रीनाथ दर्शन करने का। इसलिए पहले लोग जब बद्रीनाथ केदारनाथ दर्शन के लिए जाते थे ना, वो अपना घर में बोल देते थे, देखो हमारी श्राद्ध क्रिया कर ले, क्योंकि पहले इतने कठिन था, पेड़ को पकड़ पकड़ कर किसी तरह से पेड़ को पकड़ पकड़ करके महीना महीना तक लगती थी, साल साल तक लगती थी, इतने आसानी नहीं थी। लेकिन अभी अभी बहुत आसानी बन गई। अगर 10-12 दिन में अगर जाओगे ना, ये पूरा चारिधाम को दर्शन करके आ जाओगे, 10 दिन में गाड़ी लेकर के जाओगे आ जाओगे। लेकिन आपको मैं एक सबसे सरल उपाय बताता हूँ, जो आप एक दिन में ये चारिधाम को दर्शन कर सकते हो एक दिन में, और उसी से भी ज्यादा पुण्य मिलेगा। बोले वो कहाँ पर है? बोले श्री वृंदावन में, कामनाबेन में। बोले वहां कैसे आ गई? देखो वहां की कथा सुना, जब भगवान कृष्ण जन्म नहीं हुए थे, नंद बाबा ने बहुत तपस्या, आशीश्वर महादेव की पूजा की, और उन्होंने सबकी पूजा की, तपस्या की, दान दक्षिणादि घर में एक लाला की जन्म हो जाए, क्योंकि ये राजगद्दी में संभालने वाले कोई है, कोई संतान। उन्होंने चारी धाम, उन्होंने बोले केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री को उन्होंने उन्होंने कसम खा कर बोले, ठाकुर जी अगर हमारी घर में एक लाला की जन्म है जाए, मैं तो ये चार धाम जरूर जाऊंगा। अभी कृष्ण जन्म हो, जब कृष्ण जन्म हुए उन्होंने मनोवृत्ति रखा था चार धाम करूंगा। अभी सारे ब्रजवासी तैयारी हुए, हम चार धाम दर्शन करने जाएंगे। इतने में कृष्ण ने देखा, देखो ये ब्रजवासी कितने भोले भाले, देखो मैं जिनके घर में बेटा बनकर के बैठा हुआ हूँ, ये बोल रहे हैं हम चार धाम जाएंगे। हमारी भाषा में कहते हैं सकल तीर्थ तोचरणे बद्री का जीव की कारण, जितने सारे तीर्थ है ना, सब श्री कृष्ण की चरण में, राधा जी की चरण में। इसलिए रसखान कहते हैं किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहां, बोले केशव के कली कुंज कोटि कोटि दास काशी है, गोपिनी के द्वार पे बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। बोले स्वर्ग अपवर्ग हम ले करे करेंगे किया, जानता नहीं है कि हम श्री वृंदावन वासी है। वृंदावन में सारे धाम वृंदावन में है। कृष्ण सोच रहे हैं, देखो ये ब्रजवासी कितने भोले भाले, तो देखो बोले ये जमुना कौन है? बोले ये मेरी सेविका है, मेरी पटरानी है, कृष्ण की ये पटरानी, इनकी दासी, इनकी सखी सेविका श्री जमुना। बोले ये गंगा कौन है? हम कब कल सुनेंगे, भगवान की चरण से ये निकली है, ये भगवान की सेविका ये गंगा है। बोले भैया ये बद्रीनाथ केदारनाथ कौन है? श्री शंकर जी। बोले ये वैष्णव नाम जथा संभो, ये भगवान के सबसे प्यारे भक्त श्री भोले बाबा।
भगवान की श्रेष्ठ भक्त है। बोले ये बद्रीनाथ क्या है, बोले ये नारायण है, ये भगवान की एक प्रकाश है। लेकिन कृष्ण स्वयं पूर्ण ब्रह्म कृष्ण है, इनके जितने प्रकाश ही ये जितने मत सकुर्मा बरा सब प्रकाश है। जब मैं स्वयं घर में हूँ, हाँ मेरे को तुम लोग गोद में लेकर प्यार करते हो, सखा लोग मेरे को भी घोड़ा बना देते हैं, अगर कोई मक्खन चोरी किया मैया तो सीधा कान पकड़ लेती है, और जिनकी झूठन में खाता हूँ, जिनकी नंद बाबा अगर कहते कन्हैया लाला मेरे पादुका ले आ, कृष्ण ठुमुक 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 चलते हैं और नंद बाबा का पादुका का सर पर रख करके प्रभु नाचते नाचते ले आते हैं। नंद बाबा कहते देखो मेरे लाला कितने अच्छे हैं। मैंने कहा पादुका ले आओ तो हाथ में नहीं सर पर ले आया, ये बड़ा होगा ना, पिता माता की खूब सेवा करेगा लाला। कहते मैं स्वयं जिनके घर में बैठा हुआ हूँ, देखो ये चाह रहे हैं कहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ जाएंगे। कृष्ण ने कहा पिताजी ये चार धाम तो ब्रज में ही है। बोले कहाँ पर, बोले काम्या बन गई, आओ मेरे साथ में, मैं तुम सबको मैं चार धाम ले जाऊंगा। तब कृष्ण सारी ब्रजवासियों को नंद जसोदा वृषभानु महाराज कृतिका सुंदरी कृष्ण स्वयं लेकर के काम्या वन में उन्हें चार धाम का दर्शन कराया। ये जो चार धाम है ना ब्रज में, ये चार धाम है। अगर यहाँ से आप सवेरे निकलोगे ना एक दिन में ये चार धाम करके शाम को वापस आ जाओगे। चलोगे आप लोग, कौन चलना चाहते हैं? अब सबके सब अपना नाम लिखवा देना, सबके सब अपना नाम लिखवा देना, और एक दिन हम एक बस करेंगे, ठीक है? एक बस करके यहाँ से एकदम सवेरे सवेरे निकलना पड़ेगा। अगर यहाँ सवेरे सवेरे निकलोगे तो फिर ये चार धाम को दर्शन करते हुए फिर ये शाम को वापस आ जाएगा, एक दिन में दर्शन हो जाएगा। बाद में हम बात करेंगे, सबका नाम लिखवा करके ले जाएंगे, ले करके एक दिन में आपको दर्शन करा के ले आएंगे, ठीक है? बोले श्री बद्री विशाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। इसलिए श्री सुत गोस्वामी ने भगवान की सारे 24 अवतार का उन्होंने नाम गिनवाया, लेकिन गिनाते गिनाते उन्होंने बोल दिया जो कृष्ण है ना वो भी एक अवतार है। सुत गोस्वामी तो डर गए, बोले क्यों? बोले ये जो कृष्ण है ये अवतार नहीं है। बोले फिर कृष्ण कौन है? बोले कृष्ण अवतारी, अवतारी मतलब होता है जिनसे ये सारे अवतार आए हैं। ये कृष्ण मूल पुरुष है, ये 16 कला में परिपूर्ण ये भगवान कृष्ण है। इसलिए उन्होंने उन्हीं के लिए एक अलग श्लोक बनाए, बोले एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकम मृढ़यंती जुगे जुगे। इसलिए सुत गोस्वामी कहते हे सौनकादि ऋषियों, मैंने जो इतने नाम लिया है ना ये कौन है? बोले कृष्ण का कोई अंश और इनकी अंश के कोई अंश है, लेकिन ये जो कृष्ण है ना ये स्वयं पूर्ण ब्रह्म, ये भगवान कृष्ण है। इसलिए ब्रह्मा कहते हैं, बोले अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोपसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। बोलिए कृष्ण कौन है? ये पूर्ण ब्रह्म जो सनातन है ये भगवान कृष्ण है। ये सारे अवतारी को मूल अवतारी ये भगवान कृष्ण है। और श्री राधा रानी कौन है? उनकी पूर्ण शक्ति श्री राधा रानी। जब हम भगवान कृष्ण को पूजा करते हैं, हम लोगों ने महाभारत देखे हो टीवी में, कौन कौन देखे हो महाभारत? सब लोग देखे। जब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा था, ये स्वजन को मार करके क्या होगा, अब देखे होंगे, भगवान कृष्ण विराट रूप दिखाया, दिखाया कि नहीं? बोले हे अर्जुन
जिसको तुम ब्रह्मा कहते हो, जिसको तुम शंकर कहते हो, जिसको तुम देवी कहते हो, जिसको तुम हनुमान कहते हो, जिसको तुम गणेश कहते हो, जिसको तुम इंद्र चंद्र वायु वरुण कहते हो, हे अर्जुन देखो ये विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर है। यहाँ तक भी प्रभु ने दिखाया कि जितने मत्स्य कुर्म बराह नृसिंह बामन ये जितने सारे अवतारों को भगवान कृष्ण अपना अंदर में कृष्ण दिखाते हैं। बोले अर्जुन ये जितने विश्व ब्रह्मांड हैं वो सब के सब मेरे अंदर में विद्यमान हैं, सारा दुनिया मेरे अंदर में। हाँ एक चीज को समझो, जगत में कितने देवता हैं? 33 करोड़ देवता है ना। अगर एक दिन में अगर 1 करोड़ देवता की पूजा करो, बताओ 30 दिन में कितने देवता की पूजा होगी? 30 करोड़ हो गया, फिर 3 करोड़ बाकी रह गई ना, रह गई ना, फिर कितने को मनाओगे? एक को मनाओ, दूसरे मुंह फुलाकर बैठ जाएगा, तीसरे को मनाओ, चौथा मुंह फुलकर बैठ जाएगा, बोलेगा भैया इनसे काम नहीं, वहां पर एक देवी मैया है, चलो वहां पूजा करने चले गए। वहां गए चल चल करके इतना दूर में, फिर काम नहीं बना, बोले भैया वहां पर अमुक कोई बाबा है। आप बताओ कितने कितने जगह पर भटकोगे, कितने जगह पर भटकोगे। लेकिन कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, जब कोई व्यक्ति मेरी उपासना कर लेते हैं, मेरे भजन कर लेते हैं, मेरी भक्ति कर लेते हैं, एक देवता नहीं ये 33 करोड़ देवता की पूजा अपने आप हो जाती है। इनकी पूजा करने से, क्योंकि उनके अंदर में विश्व ब्रह्मांड है, इसलिए उन्होंने 2 उदाहरण देकर समझाए। आप लोग सुन रहे कि नहीं? अच्छी चीज को सुन लो। उन्होंने 2 उदाहरण दिया है। जैसे एक पेड़ है, अगर आप पेड़ की जड़ में पानी मत दो, 3 वर्ष की पत्ते में पानी दो, उसका फल में पानी दो, उसको टहनिया में 3 बार पानी देते रहो, बताओ ये पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं? जिंदा रहेगी। आप कहीं भी पानी मत दो लेकिन उसका जड़ में पानी दे दो, बताओ पेड़ जिंदा रहेगी नहीं? रहेगी। कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये जो जड़ स्वरूप है मैं हूं, ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड ये सब के सब मेरे अंदर में। जब हम भगवान कृष्ण को भक्ति कर लेते हैं ये 33 करोड़ देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे देखो हमारे भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन है, भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन है? कौन है? मोदी। जब कोई व्यक्ति मोदी की शरण में आ जाए, उसने एक एक मंत्री को, किसको वित्त मंत्री बना दिया, किसका रेल मंत्री बना दिया, किसका बिजली का मंत्री बना दिया, अलग अलग उसने मंत्री को पोस्ट में नियुक्त किया। जब कोई व्यक्ति मोदी की शरण में आ जाए, ये जितने छोटे मोटे मंत्री है ना, ये सबके सब तुम्हारे अनुकूल बन जाएंगे। जब उनको पता चलेगा भैया ये मोदी का आदमी, फिर कोई अंगुल नहीं उठाएगा। अगर मोदी को पास में नहीं आए ना, अगर इधर उधर देवाधिदेव को पास में भटके, आज शनि को पास में, कल मंगल को पास में, कल बुध को पास में, अलग अलग, देखना सबके सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। क्यों? ये छोड़ेगा तो दूसरे पीछे, तीसरा पीछे, सारा दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। बल इसका कोई आश्रय है ही नहीं है। कहते उसी तरह कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जब तुम मेरे शरण में आ जाओगे ना, ये जितने ग्रह हैं, ये जितने नवग्रह हैं, ये सबके सब तुम्हारी अनुकूल बन जाएंगे, कोई तुम्हारी विरोध में नहीं जाएंगे। कहते ना जा पर कृपा हरि की होई, ता पर कृपा हरे कोई, ता पर कृपा हरे हर कोई। यही चीज को समझो। देखो सबको आदर दो, किसी देवाधिदेव को अनादर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो हृदय में है ना, मेरे तो गिरिधर गोपाला, उसके बाद में आप बताओ। हाँ ये चीज को समझो। जैसे एक पतिव्रता नारी किसको हृदय में बैठाती है? अपना पति को, दूसरों को हृदय में स्थान नहीं देती। लेकिन घर में जब शादी होती है, जेठ भी होते हैं, देवर भी होता है, ननद भी होती है, सबको सम्मान देती है, सबको वो सम्मान देती है, लेकिन हृदय में किसको बैठाती है? किसको बैठाती है? पति को हृदय में बैठाती है। अगर कोई इधर उधर हुआ ना, किसको लेकर के अलग हो जाएगी? किसको लेकर के अलग हो जाओगे? पति को लेकर के। अगर हृदय में कोई बात हो ना, किसको बोलोगे?
पति को ही बोलोगे। तो भक्ति ऐसे ही भक्ति होती है जैसे गोपियां जब श्री उद्धव जी ब्रज में आए और गोपियों को उन्होंने ज्ञान की बात बताया, बोले ध्यान करो। गोपियां क्या कहती हैं? बोले उद्धव मन ना भयो दस बीस, एक मन सो गए श्याम संगे को आराध ईस। मन दस बीस है ही नहीं, मन तो एक ही है, लेकिन कृष्ण जब से ये ब्रज छोड़कर गए ना, ये मन तो उनको साथ में चला गया। तुम कह रहे हो ध्यान करो, मन तो एक है, लेकिन वो एक मन में तो कन्हैया बैठा हुआ है, कृष्ण बैठा हुआ, पर हम मन किसको किसको देंगे? यही चीज को समझ लो, यही चीज को समझ लो, मन दो नहीं, मन हमारी एक है, और वो एक मन में कन्हैया को बैठा हुआ। सब तो आदर दो, किसको अनादर नहीं करने चाहिए, लेकिन हृदय में भगवान को बैठाओ। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले द्वापरे समन प्राप्ते तृतीय युग पर जाए, व्यास पराशर जोगी तलयारे। अभी श्री व्यास देव जी जन्म हुए, ये व्यास देव और कोई नहीं, ये सब व्यास नारायण स्वयं। उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से देखा ये कलिजुग आ रहे हैं। कलिजुग में प्राय करके लोगों का जो बुद्धि है ना, धीरे 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 ह्रास होते जाएगा। पहले ना कोई पुस्तक नहीं होता था, जितने छात्र जाते थे गुरु जी को पढ़ने के लिए, और गुरु जी रटाते रटाते सब वेद पुराण सब रट लेते थे। कोई पुस्तक की इतने जरूरत नहीं होता था। बोले क्यों? जो खान पान ना प्योर होता था, लेकिन अभी हर चीज को देखना सब हाईब्रिड, सारे हाईब्रिड से बनती है, इसलिए कोई चीज अभी शुद्ध नहीं, इसलिए ये स्मरण शक्ति धीरे धीरे लोगों का घटती जा रही है। इसलिए ये चीज को उन्होंने देख करके, उन्होंने पहले एक वेद था, उन्होंने एक वेद को उन्होंने चार वेद रूप में प्रकाशित किया, फिर उन्होंने उपनिषद को प्रकाशित किया, फिर उन्होंने ब्रह्म सूत्र को बनाया, देखा उन्होंने 17 पुराण बनाए, देखा स्त्री शूद्रों को वेद में अधिकार नहीं, उन्होंने पंचम वेद श्री महाभारत बनाया जिसमें ये भगवत गीता है। तब भी उनको मन में शांति नहीं। एक दिन श्री नारद जी बिना बजाते बजाते और ठाकुर जी का कीर्तन करते करते आ गए, बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा। व्यास लगता है तू दुखी हो, बोले गुरु जी सही बता रहे हो, मैंने जीव कल्याण के लिए इतने ग्रंथ बनाया, लेकिन अंदर से शांति नहीं मिल रहा है, लगता है इसमें कमी, गुरु जी आप ही बताओ। क्योंकि नारद जी गुरु है ना, बोले गुरु का मतलब क्या है? बोले गुकार अंधकारत्वा
रुकार तस्य निरभक। भू मतलब होता है अंधकार और रू मतलब होता है जो आलोक हृदय में प्रकाश कर दे। बोले आप तो जगत गुरु श्री नारद जी हो, तब नारद जी ने बताया देखो तुमने तो बहुत सारे ग्रंथों ने रचना की, लेकिन तुमने ऐसे ग्रंथ तुमने रचना की जैसे शिव पुराण के तुमने बता दिया सत्यम शिवम सुंदर। अगर कोई शिव पुराण का पढ़ेगा तो सोचेगा शंकर ही सब कुछ और किसी की पूजा करने का जरूरत नहीं। अभी जो देवी भाग राम देवी पुराण को पढ़ेगा बोले मैया देवी सब कुछ है, सारा दुनिया को तो सृष्टि करने वाले वही। अभी जो ब्रह्मा जी की पुराण को पढ़ेगा बोले सृष्टि को किसने किया, ब्रह्मा जी ने किया। जब तुमने गणेश जी के पुराण को पढ़ोगे बोले भैया सबसे पहले तो गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अभी तुमने इतने जो ग्रंथ बनाया जो ग्रंथ को जो पढ़ेगा, अगर सारे ग्रंथ को पढ़ लेगा ना वो फिर तो उसका दिमाग पागल हो जाएगा, वो क्या करेगा नहीं करेगा समझ नहीं पाएगा। तुमने जो ग्रंथ